खबर पूरे संथाल परगना से। गोड्डा में दिव्यांग नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एसपी के आदेश पर मामला दर्ज। झारखंड के गोड्डा जिले में एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गोड्डा जिले में बीते एक माह के दौरान दुष्कर्म की इस चौथी घटना ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के निर्देश पर सुंदरबाड़ी थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 40 बोतल शराब के साथ गोड्डा का तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से शराब लेकर आ रहे एक बाइक सवार तस्कर को पंजवारा पुलिस ने गुरुवार को पकड़ा है, जिसकी पहचान गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के मुचौहरा गांव निवासी ब्रजेश यादव के रूप में हुई है। उसके पास से बैग में छिपाकर रखे 40 बोतल देसी शराब बरामद हुई है। उसकी गिरफ्तारी मारा टिकर विक्रमपुर पथ में मारे टिकर गांव के समीप की गई। थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह को सूचना थी कि तस्कर पंजवारा के रास्ते बाइक से शराब लेकर पार करेगा। थाना अध्यक्ष ने बॉर्डर पर सादे लिबास में रेकी शुरू की। इस दौरान भनक लगने पर तस्कर दूसरे मार्ग से भागने के लिए रास्ता बदल लिया। उस रास्ते पर पहले से एएसआई मुकेश सिंह तैनात थे, जहां उसे गिरफ्तार में ले लिया गया। थाना अध्यक्ष के मुताबिक केस दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बरामद बाइक जब्त कर लिया गया है। होम्योपैथिक महाविद्यालय में कदाचार युक्त परीक्षा। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परसपानी गोड्डा में मेडिकल फाइनल वर्ष की परीक्षा बीते 16 सितंबर से हो रही है, जिसमें घोर अनियमितता का आरोप कॉलेज के ही एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी ने लगा दिया है। झारखंड का एकमात्र सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज परसपानी में प्रत्येक क्लासरूम में कैमरा है। इसके बावजूद बंद पड़े सीसीटीवी कैमरा वाले कैमरे में मेडिकल की परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक मेडिकल छात्र से परीक्षा के लिए मोटी रकम भी यहां वसूली गई है। कॉलेज के एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी ने नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि कॉलेज में परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से चोरी कराई जाती है। वर्षों से इस कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं नकल करते आ रहे हैं। आरोप लगाया कि प्रत्येक वर्ष प्रधानाचार्य छात्रों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में नकल करने को छूट देते हैं। मेडिकल परीक्षा के दौरान छात्र छात्राएं धड़ल्ले से किताब व गाइड प्रश्न बैंक का इस्तेमाल करते हैं। सड़क पर अवैध व ओवरलोड परिवहन पर लगेगा रोक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं एसपी वाईएस रमेश द्वारा संयुक्त रूप से टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन विभाग, विद्युत विभाग एवं वन विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिले में हो रहे अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर रोक लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में बालू एवं स्टोन चिप्स के अवैध धंधे पर रोक लगाने हेतु उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है। बताया कि BDO, CO व थाना प्रभारी आपस में समन्वय स्थापित कर अवैध खनन पर यथाशीघ्र रोक लगाए। समस्या होने पर तुरंत सूचित करें, निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। अवैध खनन व्यापार में रोक लगाने हेतु बालू एवं स्टोन चिप्स की चेकिंग के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए SDO महागामा व जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। चुने हुए मार्गों को चिन्हित कर चेक नाका लगाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। देवघर में बिक रहा है मीठा जहर। देवघर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने गुरुवार को शहर के कई खाद्य सामग्री, मिठाई व शराब दुकानों में छापेमारी कर गुणवत्ता की जांच की। मौके पर प्रशिक्षु IAS संदीप मीना, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दिनेश सोरेन के अलावा अनुमंडल कार्यालय देवघर के कर्मचारी मौजूद थे। कई दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ साफ सफाई की अनदेखी और मिठाई में कपड़े में देने वाले रंगों का प्रयोग के बाद सामने आई है। वृंदावन से 2000 के अलावा माखन चोर, अवंतिका, मोदी स्वीट, गोविंद मिष्ठान भंडार व तृप्ति मधुर एवं 1000 का अर्थदंड करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। एक्सपायरी डेट के मादक पदार्थों को भंडारण को लेकर 5 शराब दुकानदारों को सील कर दिया गया है। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड और अनुमंडल कार्यालय में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया गया है। कन्या शिक्षक को +2 का प्रभार देने पर आपत्ति। झारखंड +2 शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को उपायुक्त से मिला तथा कन्या शिक्षकों को +2 का प्रभार देने पर आपत्ति जताई। उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि
जिले के विभिन्न प्लस टू विद्यालयों में वरीय शिक्षक के होते हुए कन्या शिक्षक को विद्यालय का संपूर्ण प्रभार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जाता रहा है। 19 सितंबर को अनारकली प्लस टू विद्यालय पालाजोरी का प्रभार माध्यमिक सेवा शर्त नियमावली 2015 का हवाला देते हुए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को दे दिया गया। एक अच्छी खबर, बाबा धाम के प्रसिद्ध पेड़ा का मिलेगा ग्लोबल पहचान, जल्द ही मिलेगा GI टैग। मंदिरों के शहर और झारखंड के देवघर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध बाबा धाम के पेड़ा को जल्द ही GI टैग मिल सकता है। लोकप्रिय मिठाई और प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़ा को भौगोलिक संकेत GI दिलवाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है। इस संबंध में देवघर के डिप्टी कमिश्नर कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि बाबा धाम पेड़ा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन ने GI टैग के लिए आवेदन करने का फैसला किया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आज से AS महाविद्यालय के वनस्पति जंतु विज्ञान शिक्षा विभाग व अर्थशास्त्र विभाग की ओर से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ आज से होगा, जिसमें देश विदेश के लगभग 500 से अधिक लोग सम्मिलित होंगे। इसका उद्घाटन सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कुलपति करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग कुलपति शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ USA से डॉक्टर संतोष तिवारी व डॉक्टर RN यादव कुलपति पूर्णिया विश्वविद्यालय रहेंगे। निजीकरण के विरोध में रेल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। खबर देवघर के मधुपुर से है। SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को मधुपुर रेलवे स्टेशन के बाहर यूनियन के अधिकारी और सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर रेलवे के निजीकरण निगमीकरण और 50% रेल कर्मियों की छटनी के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूना पैक्ट 100% लागू करने की मांग की गई। मौके पर यूनियन के शाखा सचिव श्याम सुंदर पासवान, सचिव उपेंद्र कुमार पासवान, कोषाध्यक्ष के मांझी के ने कहा कि रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण के साथ छटनी के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपने का निर्णय सरकार से वापस ले। रेलवे में 50% रेल कर्मियों की छटनी के आरक्षित पदों के साथ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस निर्णय का रेल कर्मचारियों ने विरोध किया है। वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 9% आरक्षण लागू होगा। भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए ताकि गरीबों के बच्चे भी पढ़ाई कर सके। निजी क्षेत्रों और न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाए। अब खबर मौसम विभाग से। आज से कमजोर पड़ सकता है मानसून, राज्य के 2 जिले सूखे के हालात। आज यानी शुक्रवार से राज्य में मानसून की स्थिति एक बार फिर से कमजोर पड़ सकती है। बरसात का मौसम लगभग बीतने को है। इसके बाद भी राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 20 से ज़्यादा कम बारिश हुई है। इसमें से 2 जिले देवघर और गुमला ऐसे हैं जहां सामान्य से 50% तक कम बारिश हुई है। इन 2 जिलों में सूखे के जैसे हालात बन रहे हैं। खेत में खड़े धान के पौधे पानी की कमी कारण पीले पड़ रहे हैं। वहीं मकई और मौसमी सब्जियों की खेती भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इसके अलावा चतरा में 32, बोकारो में 22, गढ़वा में 23, जामताड़ा में 22, पाकुड़ में 30, खूंटी में 25 और सरायकेला खरसावा में 28% तक कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से लेकर 24 सितंबर तक राज्य में 10 से 16 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित थी, मगर सामान्य से 13% कम यानी 888.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबर है दुमका से। निरीक्षण के दौरान DC ने सुनी गांव वालों की समस्या, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। किन किन बिंदुओं पर गांव वालों ने अपनी समस्याएं DC के सामने रखी। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने गुरुवार को दुमका प्रखंड के रानी बहाल पंचायत का भ्रमण किया। स्थानीय लोगों से पंचायत में संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि कोई समस्या हो तो सूचना दें, जिम्मेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना सुनने के बाद कुछ लोगों ने अपनी परेशानी सुनानी शुरू की। सबकी समस्याएं अलग अलग थी, लेकिन ज्यादातर पेंशन, आवास और राशन से जुड़ा हुआ था। सबने अपनी समस्याओं के निदान का आग्रह किया। उपायुक्त ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मौके पर पंचायत के मुखिया एवं पंचायत के अन्य कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। खबर बताया जा रहा है दुमका से है। 5 दिवसीय दौरे पर आज आएंगे बाबूलाल मरांडी।
भारतीय जनता पार्टी के नगर इकाई की बैठक गुरुवार को नगर अध्यक्ष मृणाल कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के दुमका आगमन को लेकर की गई। बैठक को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा ने संबोधित कर बताया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार रहने की जरूरत है। बीजेपी को अपनी खोई सीट को वापस लेना है, इस निमित्त उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम किया। विनोद ने कहा कि केंद्र सरकार के ऐतिहासिक कृषि बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, जो ओछी राजनीतिक है। यह बिल किसान हित में है, राष्ट्र हित में है, जिसका फायदा आने वाले समय में दिखेगा। जानकारी हो को 5 दिवसीय दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को शाम दुमका पहुंचेंगे। शनिवार से उनका दुमका एवं मसलिया में लगातार कार्यक्रम है। खबर है जामताड़ा से, भाकपा माकपा ने जुलूस निकाला, फूंका मोदी का पुतला। मोदी सरकार की कथित किसान विरोधी नीति और नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को CPI व CPM के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अंबा मोड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। जुलूस हरनंदपुर गांव से निकालकर अंबा गांव स्कूल मोड़ पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गया। CPI के जिला सचिव कन्हाई माल पहाड़िया ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 6 साल में देश की जनता को परेशान किया है। नोटबंदी व GST लागू कर छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर हर वर्ग को मुश्किल में डाल दिया, लोगों का रोजगार छीन गया। RSS व भाजपा ने देश में नई शिक्षा नीति लाकर छात्र नौजवान में बेरोजगारी बढ़ाई है। अभी किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लगाए गए। केंद्र की इन नीतियों के खिलाफ 21 से 24 सितंबर तक पूरे देश में वाम दल सहित 17 पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही है। खबर है साहेबगंज से, बढ़रवा व पटना में बाढ़ ने मचाई तबाही। गुमानी व करनी नदी में आई बाढ़ ने बढ़रवा व पटना प्रखंड में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घरों व पानी में घुस गया है, हजारों एकड़ जमीन में लगी फसल डूब गई है। सड़कों पर पानी चढ़ जाने के कारण बढ़रवा प्रखंड का संपर्क पाकुड़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल से टूट गया है। इस वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 3 दिन से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से बढ़रवा प्रखंड क्षेत्र के श्रीकुंड, पठान टोली, चाकपाड़ा, काकजोड़, दरियापुर, जमालपुर, हरि विनोदपुर सहित पटना व बढ़रवा प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांव में पानी घुस गया है। पर्यावरण व स्वास्थ्य एक दूसरे पर आश्रित। स्वच्छ NSS स्थापना दिवस पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की थीम पर कार्यक्रम किए गए। डॉक्टर श्याम किशोर सिंह ने कहा कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य में अन्योश्राय का अर्थ संबंध है। अगर पर्यावरण दूषित होता है तो इसका सीधा असर जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर सामाजिक स्वास्थ्य गड़बड़ा होगा तो हम एक उन्नत एवं स्वास्थ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर श्याम किशोर सिंह, डॉक्टर कश्यप बाल गोविंद, डॉक्टर रजन कांत सहाय, डॉक्टर महाकांत झा एवं डॉक्टर चंदन बोहरा के स्वास्थ्य पर्यावरण बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने पर बल दिए। खबर है पाकुड़ से, पाकुड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज। विजय हंसदा, राजमहल के सांसद विजय हंसदा ने प्रयास से पाकुड़ में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। सांसद ने बुधवार को प्रेस विज्ञापित जारी कर इसकी जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज को वर्तमान में सदर अस्पताल से जोड़ा जाएगा। सांसद ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया था। इस संबंध में सांसद ने 22 फरवरी 2020 को केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र भेजा था। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजने के बाद केंद्र से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। सांसद ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञापन प्रौद्योगिकी डॉक्टर हर्षवर्धन को भी पत्र लिखकर पाकुड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आग्रह किया था। पत्थर खदान में छापेमारी, कंप्रेसर लदा ट्रैक्टर जब्त। जिला टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार को देर शाम करीब 7 बजे हिरणपुर प्रखंड के सुरायडी मोजा स्थित बजरंग स्टोन वर्कर्स के पत्थर खदान में छापेमारी की। छापेमारी दल ने जिला खदान पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास, अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार, थाना के ASI प्रमोद कुमार सिंह सहित पुलिस बल शामिल थे। छापेमारी के समय मजदूर कंप्रेसर मशीन से खदान में ड्रिल कर रहा था, मजदूर ड्रिल मशीन छोड़कर निकल भागा। भारी बारिश से पुनासी डैम हुआ लबालब, हर घंटे छोड़ रहे हैं 25 लाख क्यूसेक पानी। पुनासी डैम में 24 घंटे 9 अभियंताओं को लगाई गई ड्यूटी। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहे कि पुनासी डैम में भरा हुआ पानी देवघर की जनता के लिए सौगात है, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।